टुडे ऑनलाइन क्लास ऑल स्टूडेंट क्लास 10th विषय जीव विज्ञान। हम आज जानेंगे कुछ श्वासोश्वास के तृतीय क्रिया के संबंध में। इसमें छुटा हुआ था तो उसे जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा गैसी विनिमय गैसेस एक्सचेंजेस, इसके सामने जानने का प्रयास करेंगे। यह समान विसरण द्वारा उत्पन्न होता है। यह क्या होता है? यह समान विसरण द्वारा उत्पन्न होता है। वाई कोपियों की ओटू अर्थात ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं में और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को वाई कोपियों में विसरित हो जाती हैं। इसी क्रिया को हम गैसीय विनिमय के नाम से जानते हैं। फोर्थ में आइएगा ऑक्सीजन परिवहन क्या होता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जैसे भेजने का काम करना। ऑक्सीजन जो होती है वो किस तरह से जो है रक्त को विभिन्न भागों में शरीर के पहुंचाने का कार्य करती है, उसके बारे में जानते हैं। फोर्थ में कशेरुकी अर्थात जिसमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं उस जीव की बात भी होती है, और जिसमें पाई जाती है उसमें कशेरुकी प्राणियों में ऑक्सीजन रक्त की होमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी होमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी होमोग्लोबिन का निर्माण करता है। कोशिकाओं में ऑक्सी होमोग्लोबिन विघटित होकर ऑक्सीजन को अर्थात ओटू को मुक्त कर देता है अर्थात बाहर निकाल देता है, और होमोग्लोबिन स्वतंत्र होकर पुनः ऑक्सीजन से संयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। इस क्रिया को हम ऑक्सीजन परिवहन या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। आते हैं फिफ्थ में, गाइस देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात कार्बन में डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, जानने का प्रयास करते हैं। आंतरिक श्वसन के फलस्वरूप बनी कार्बन डाइऑक्साइड, ये आंतरिक श्वसन में होता है, बाह्य भाग में नहीं, आंतरिक अर्थात मनुष्य प्राणियों के आंतरिक भाग में बनी कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 7% प्लाज्मा जल में खुलकर कार्बोनिक अम्ल अर्थात H2O3 के रूप में 70% कार्बोनेट्स अर्थात सोडियम तथा पोटेशियम बाइकार्बोनेट का निर्माण के रूप में तथा 23% अर्थात 23% कार्बोऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में रक्त के द्वारा ऊतकों से श्वसन अंगों में पहुंचाती है। श्वसन सतह पर क्लोराइड्स शिफ्ट के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होकर अर्थात बाहर निकलकर वातावरण में चल अर्थात बाहर निकल जाती है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होकर वातावरण में चली जाती है। तो ये गाइस थी ये कुछ श्वासोश्वास की बची हुई लाइनें थी, हेडिंग थी, उससे जानने की हाई स्कूल के लिए अति ही महत्वपूर्ण है इसे, और हम जानने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, नेक्स्ट टॉपिक में परिवहन क्या होता है अर्थात ट्रांसपोर्ट क्या होता है। इसमें जानेंगे ऑक्सीजन के द्वारा होमोग्लोबिन अर्थात रक्त का संचार अर्थात किस तरह से होता है। तो गाइस थैंक्स, लाइक सब्सक्राइब करिए।